रानी स्वागत आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त तरक्की की बात चल रही है, टेक्नोलॉजी की बात चल रही है और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात चल रही है। वहीं पर एक खिता है बलूचिस्तान जो कि 2024 में भी आज भी वो बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम है। आज भी बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जिलों से बलोच तुलबा बलोच नौजवानों को लापता किया जाता है और बलोच नस्ल कुछ ही इस वक्त अपने अरूज पर है, जहां पर बलोच तलबा जो दूसरे इलाकों में जेर तालीम है या जो दूसरे सूबों में जेर तालीम है उनको भी हरासे किया जा रहा है, उनको भी लापता किया जा रहा है या जाली केसेज में उनको बंद किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बलूचिस्तान के अंदर हम कारोबार के हवाले से देखें या बॉर्डर्स के हवाले से देखें और साइल और वसाइल की बात करें तो बलूचिस्तान को अपने मिनरल्स तक रसाई हासिल नहीं है, बलूचिस्तान को अपने बॉर्डर्स तक रसाई हासिल नहीं है, बॉर्डर्स को बंद कर दिया जाता है या वहां पर भी उनसे बत्ता लिया जाता है। इसी हवाले से इसी शऊर के हवाले से बलोच कौम की तरक्की के हवाले से बलोच यकजहती कमेटी ने 28 जुलाई को ग्वादर में बलोच राजी मुची यानी बलोच नेशनल गैदरिंग का इनेकाद किया है जिसमें पूरी बलोच कौम शिरकत करेगी। मैं आप तमाम इंसानी हकूक के नुमाइंदे, इंसानी हकूक के इदारे, हमारे साफी हजरात और इसी तरह बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं उन तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि 28 जुलाई को ग्वादर में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बलोच रांची मुची का हिस्सा बने और ये सबूत दे कि आप बलूचिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खड़े हैं और उसमें हमारे साथ खड़े हैं और आप इस जुल्म के खिलाफ हैं। मैं एक दफा फिर तमाम लोगों को बलोच रांची मुची में शिरकत की दावत देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब इसका हिस्सा बनेंगे। बहुत शुक्रिया।